दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग का ऑप्शन बहुत अच्छा है। ओलंपिया ट्रेड के माध्यम से आप ऑनलाइन पैसे कमा सकती हैं। इसको कमाने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। पहले आप साइनअप कर लीजिए। साइनअप करने के बाद आपको जो है जब अकाउंट बन जाए तो लॉगिन करना पड़ेगा। दरअसल एक ट्रेडिंग ऐप है और ट्रेडिंग में आपको ये बताना पड़ता है कि किस तरीके से ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ये देखिएगा कमेंट बॉक्स, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करते ही जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको जो है डॉलर मिल जाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें बुलमाइजो सपोर्ट पर जाकर आप इनसे सपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं और आप सीधे अपना पैसा जो है बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं। सीधे सीधे तौर पर बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट में पैसा आया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करें और आप भी आज ही से कमाएं। नमस्कार, सभी आंगनवाड़ी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया आंगनवाड़ी खबर चैनल पर। इस चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। सभी बहनों को बता दूं एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। राजस्थान की सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। सभी बहनों को बता दूँ राजस्थान की आंगनबाड़ी में काम कर रही 1,24,000 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को दो दो अतिरिक्त साड़ी और या फिर पोशाक देगी। यहाँ के सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए 9,92,00,000 रुपए का अतिरिक्त जो है बजट अनुमोदन कर दिया है। तो बड़ी अच्छी खबर है। आपको बता दें प्रदेश में कुल 62,020 आंगनबाड़ी केंद्र बताए जा रहे हैं और जिनमें आंगनबाड़ी केंद्र पर एक कार्यकर्ता और सहायिका काम कर रही है। इनके लिए 2,48,000 साड़ियाँ या पोशाक खरीदे जाएंगी। प्रस्ताव के अनुसार 400 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदारी की जाएगी। तो बड़ी बात है, यहाँ पर 400 रुपये की साड़ी मिलेगी, यानी कि क्वालिटी से समझौता तो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कुल साड़ियों या पोशाक की खरीद 9,92,00,000 रुपए खर्च होंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दो दो साड़ी प्रति वर्ष देने का प्रावधान है। उसी की तर्ज पर सीएम ने निर्णय लिया है और अब 4 साड़ियाँ मिल पाएंगी। तो बड़ी बात है कि यहाँ पर सीएम के निर्णय से अब 4 साड़ियाँ मिल पाएंगी। सभी पोशाकों पर पोषण अभियान का लोगो भी लगाया जाएगा। तो यहाँ पर एक खास बात निकल कर आ रही है। आपको बता दें सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला करते हुए राजीव गांधी लिफ्ट नहर के फेज 3 को राजनीति से संचालित करने का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया है। तो अहम खबर हम आंगनबाड़ी बहनों के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ी खबर यही है कि आंगनबाड़ी बहनों को अब 4 साड़ियाँ मिल पाएंगी। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। 9,92,00,000 रुपये का प्रावधान हो चुका है। 62,020 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और यहाँ पर काम करने वाले आंगनबाड़ी कर्मियों को लाभ होगा। आपको बता दें 400 रुपये प्रति यूनिट के दर से खरीदारी की जाएगी। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए और ज़्यादा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। साथ ही 12 बजे तो हम रोजाना मिलते हैं। 12 बजे अगर आप लाइव खबरें नहीं देखते तो लाइव हमारे साथ जुड़िए ताकि रोजाना आपको अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।